तो रियलमी की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। फाइनली रियलमी नार्जो 30 प्रो में एंड्रॉयड 11 विथ रियलमी यूआई 2.0 का स्टेबल अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। फाइनली बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है और सभी को ये अपडेट धीरे धीरे मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके अपडेट का जो वर्जन था RMX 2117 11C.03 है और इसी के साथ ही इसके अपडेट की जो फाइल थी वो 231 MB की है, जिनको बीटा यूजर्स को ये अपडेट मिला हुआ है। और बीटा में जो बग्स चल रहे थे, जिन्होंने बीटा में ये अपडेट जो टेस्ट कर रहे थे अपने स्मार्टफोन में, तो उनके सारे बग्स को जो फाइनली फिक्स करके एक स्टेबल अपडेट रोल आउट किया गया है। तो सबसे पहले आपको एक नया यूआई रियलमी यूआई 2.0 देखने को मिल जाता है और इसका नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और एंड्रॉयड 11 के साथ आपको बहुत सारे नए फीचर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम फिक्सेस की बात करें तो फाइनली इसमें जो है स्क्रीन ब्राइटनेस का इशू चल रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है एडजस्टमेंट का मेन्यू में। इसके अलावा एरोप्लेन मोड जो है कनेक्शन एंड शेयरिंग पेज के ऊपर से जो है गायब हो जाता था कभी कभी, और भी इसमें इशू चल रहे थे, तो एरोप्लेन मोड के इशू को इसमें फिक्स किया गया है। अब कोई भी मिनी विंडो जो है, किसी भी एप्लीकेशन की मिनी विंडो अगर आप अपने डिस्प्ले के ऊपर अपने स्मार्टफोन के अंदर जो है मतलब ओपन करते थे तो उसे बैक करना होता था, तो बैक नेविगेशन जो है काम कई बार नहीं करती थी, मिनी विंडो जो है वो बैक नहीं हो पाती थी, तो वो इशू इसमें फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो है कैमरे में भी कुछ इशू फिक्स किए गए हैं, जैसे कि भी आप अपने कैमरे में जूम व्हील ओपन करते थे तो उसमें तो शटर बटन के ऊपर जो है कैमरा मोड गायब हो जाता था, तो इस तरह का भी कैमरे में इशू चल रहे थे, तो वही कैमरे का ये इशू फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा आप अपने कैमरे में मूवी मोड में जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे तो कैमरा जो है फ्रीज हो जाता था, तो ये भी इशू इसमें फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको जुलाई 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। तो फाइनली जिन्होंने बीटा में अप्लाई किया था, जो बीटा टेस्टर थे एंड्रॉयड 11 विद रियलमी यूआई 2.0 के, तो उन्हें ये स्टेबल अपडेट रोल आउट किया गया जिसमें ये सारे बग्स जो है बीटा में जो चल रहे थे वो फिक्स कर दिए गए। कि जो विदाउट रेगुलर यूजर है जिन्होंने बीटा में अप्लाई नहीं किया था और जो बीटा टेस्टर नहीं थे, उन्हें एक बड़ा अपडेट मिलेगा जिसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 विद रियलमी यूआई का लेटेस्ट यूआई देखने को मिलेगा और नए फीचर्स आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं और एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और काफी सारे जो रियलमी यूआई 2.0 के जो नए फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये बीटा यूजर्स के लिए स्टेबल अपडेट रोल आउट किया गया है, बीटा यूजर्स फिलहाल इसे टेस्ट करेंगे, थोड़े ही दिनों में जो है रेगुलर यूजर को भी ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। फाइनली जो है रियलमी नार्जो 30 प्रो को एंड्रॉयड 11 विद रियलमी यूआई 2.0 का स्टेबल अपडेट अब रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये फिलहाल जो है न्यूज निकल के आई थी रियलमी नार्जो 30 प्रो के लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 विद रियलमी यूआई 2.0 के स्टेबल अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।